एससी एसटी आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने स्थानीय नेताओं पर लगाया आरोप। मुख्यमंत्री की जनसभा से पहले मंच पर नेता विचार व्यक्त कर रहे थे, संचालनकर्ता बारी बारी से बुला रहे थे। एससी एसटी आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने आरोप लगाया है कि वे दलित हैं, इसलिए उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया। मुख्यमंत्री के आने से पहले स्थानीय व वरिष्ठ नेताओं को संबोधन के लिए बोला था। एससी एसटी आयोग की सदस्य व दर्जा राज्य मंत्री गीता प्रधान भी मौजूद थी, लेकिन उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया। उन्होंने आक्रोशित होकर रोते हुए मीडिया को बताया कि वे एक दलित की बेटी हैं, 3-4 वर्ष से भाजपा की सेवा करती आ रही हैं, इसलिए भाजपा ने उन्हें एससी एसटी आयोग का सदस्य बनाया है। इसके बाद भी मुझे मंच पर संबोधन के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि मेरा यह अधिकार है। जिला महामंत्री कमल कुमार यहां से कहते हैं कि हमने कोई काम नहीं किया, क्या करते हो? जब प्रोग्राम होने की बात होती है तो साध्वी के 50,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो। आज साध्वी के सम्मान करने की बात आई है तो साध्वी जी ने कहा जा रहा है तो चुनाव नहीं लड़ा रही। किस लिए आप नाराज हो रही है? मेरा नाम साध्वी गीता प्रधान है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार एससी एसटी आयोग में मंत्री हूँ। ये मेरा कार्य क्षेत्र है, मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ। वर्तमान में 3 साल योगी जी की सरकार ने प्रसन्न होकर मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री बनाया और मैंने जब बहुत अच्छा काम किया तो पुनः मुझे बनाने का काम किया। आज क्या हुआ जो आपकी आंखों में आंसू आए? मेरा कार्य क्षेत्र जनसभा है, मेरा राइट बनता है, मैं मंच पे रहूं। मंच में जान बूझ कर यहाँ के पदाधिकारियों ने मेरा नाम नहीं डाला, जैसे और मुझसे ये कह रहा है कि जाइए मंच से नीचे जाइए, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, ये मेरे दलित समाज का अपमान है। सबसे पहले मैं साध्वी हूँ। माननीय योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार सबके साथ सबके विकास को लेकर कार्य कर रही है और एक दलित महिला जो कि साध्वी है, वाल्मीकि समाज से, उत्तर प्रदेश में मात्र एक अकेली नेता हूँ, मात्र उत्तर प्रदेश में एक अकेली साध्वी हूँ वाल्मीकि समाज की। मैंने बहुत समर्पण किया है, तन मन से रात दिन 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित रहती हूँ और यहाँ से मैं टिकट की दावेदार भी थी। लास्ट समय में मेरा टिकट कट गया, कोई बात नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रही। मैंने बहन जी को भी 2-3 दिन चुनाव लड़ाया और आज मैं मंच पे बैठने के लिए भी नहीं आई, मैं चुनाव लड़ने के लिए भी आई हूँ। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आपको आपकी आंखों में आंसू आए और आपको इतना आहत होना पड़ा, ऐसा क्या हुआ? सर आप नहीं बैठूंगी, आप मेरे आदरणीय हैं, आप मेरे आदरणीय हैं, लेकिन ये मेरा